चौरी साहब का जरा फ्रीज कर गया सिग्नल, आप भी बैठ के ये देख रहे हैं। वो कहते हैं मुझे याद है एक दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, महमूद अली मोहम्मद अली दुरानी साहब ठीक होते, मोहम्मद अली दुरानी साहब वो पार्टी थी लगारी साहब ने पार्टी बनाई थी, मुझे याद है मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी खुद कवर कर रहा मिली, था मिली पार्टी। तो उन्होंने एक पार्टी बनाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा जी आप और काफली के 2002 के इलेक्शन की बात है, उन्होंने कहा जी वो तो किंग्स पार्टी है। तो आगे से दुरानी साहब ने कहा तो हम भी तो किंग्स पार्टी है। बाद में उन्होंने कहा जी ये चलाइएगा नहीं, ये जरा जाने दें, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह गए कि ये भी हम भी तो किंग्स पार्टी। अब आपको क्या लगता है ये इस्टेब्लिशमेंट जमा नून लीग मियां साहब बाहर आए हैं खामोशी है, तो ये जो राणा मशहूर साहब की बात है आपको ठीक लगती है? और वो अगले की, और ये मैं आपको जो अभी चौधरी मंजूर साहब कह रहे थे वो भी सुन लीजिएगा, शहबाज साहब ने क्या बात की आजाद सैयद के जवाब में, जरा सुनिए। करेंगे आपको, बहुत शुक्रिया। है कि आप अपने भाई के बयानियों को आगे ले जाते हैं, जवाब दे दें आप, बस हमें हमने कोई जवाब नहीं आया आपके बयानी, आपने ये जो ये तो जाली बयानी लगता जी। तो हमें वापस आके माइक पकड़ के कहा जो कहा वो आपने सुना जी, डेस्परेशन है मेरा ख्याल है कि ये वो एक होता ना, अब उनको लग रहा है कि देयर इज नो वे आउट, तो अब वो ये दाने फेंक रहे हैं। और आपको याद होगा कि ये कई दफा आप खुद से ये भी दाना किसको फेंक रहे हैं, ये खुद से भी आप ये दाना फेंक रहे हैं या दाना चुग चुके हैं, दोनों में बड़ा फर्क होता ना जी। ये हिंट करा रहे हैं कि जी अब वी आर कंप्लीटली सेपरेट, नंबर वन। नंबर टू, आपको याद होगा शुरू से आप लोग नहीं, ये नहीं कह रहे हम वी आर सेपरेट, वो ये कह रहे हैं हम बदल गए हैं, तब्दीली आ गई है। सो उसमें जो दूसरी चीज है ना, ये गुड कॉप बैड कॉप तो शुरू से खेलते रहे कि ये आके कहते थे कि नहीं जी हम तो बहुत ही मियाना रवि वाले हैं, वो आके कहते थे कि जी हम उड़ा देंगे ये वो। दी ओनली डिफरेंस इज कि ये तो अपने बयानिए पे और भी ज्यादा आ गए, और ये कोई फिल्मी ये इंटरव्यू था मुझे बताएं, दिस वाज एन इंटरव्यू, सेटअप इंटरव्यू, सेटअप इंटरव्यू इन द सेंस के किसी ने टाइम मांगा होगा, उन्होंने टाइम दिया होगा, जो सवाल पूछे ये सवाल है, और अब वो कह रहे हैं जी मेरे क्लिप जोड़ के वो इंटरव्यू लगा दिया गया और उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कर दिया गया। ये डिलिबरेट एक दाना फेंका गया, उस दाने का बड़ा रिएक्शन आया, उस दाने पे लेने के देने पड़ गए, तो अब वो जाके तो उसको रिट्रैक्ट कर रहे हैं। पहले गुड कॉप बैड कॉप होता था काशिफ, अब गुड कॉप तो है तो वो जो बैड कॉप है वो तो खामोश कॉप हो गया। सो बिकॉज बेसिकली इस वक्त दे आर स्ट्रगलिंग फॉर अ स्ट्रेटजी, इनका ख्याल था कि हम आएंगे और पता नहीं वो ठाठे मारता समुंदर बाहर आएगा और सारी वो हम कहेंगे कि जी रिगिंग हुई है और पूरा मुल्क जो है इनके पीछे लग जाएगा, और वो ऐसी मुल्क ने उनको टाटा बाय बाय किया है कि अब उनको लगता है कि जो जान बचानी है, हम तो पहले भी ये बयानियां दे रहे थे थोड़ी और दाने फेंकते, हो सकता है दाना ले लें, लेकिन मैं इतना बताऊं ना डील होगी ना ढील होगी ना किसी किस्म की निगोसिएशन होगी, दैट टाइम इज ओवर। ये जो बात है केसेस की, कौन सा डील आपने करनी है, जिन्होंने करनी है उन्होंने कर लेनी है, आपको तो पता भी नहीं चलना डील होगी। लेकिन काशिफ देखें बात ये है कि मॉडल टाउन और ये जो बाकी वाले केसेस हैं, ये केसेस हम आपका ख्याल है कि हम छोड़ देंगे, ये केसेस हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। वो लंदन प्लान जो था तो पाकिस्तान प्लान है और नया पाकिस्तान प्लान है, और उस नया पाकिस्तान प्लान में किसी को भी अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होगी, इंक्लूडिंग आ पार्टी। ठीक।